नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने स्लो पीसी को या लैपटॉप को या डेस्कटॉप को स्पीड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कुछ जंक फाइल्स कैसे क्लीन किया जाता है। तो सबसे पहले आप अपने पीसी में चले जाएं, दिस पीसी, अगर आप विंडोज 10 है तो, नहीं तो आप माई कंप्यूटर में चले जाएं। यहाँ से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ड्राइव रहेगा उस पर जाके उसके प्रॉपर्टीज़ में जाएं। यहाँ से आप डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करें। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्लीनअप के लिए आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये सारे सेलेक्ट करके क्लीन करना है। अगर आप सिस्टम फाइल्स भी और भी ज़्यादा क्लीन करना चाहते हैं तो आप क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पे क्लिक करें। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसमें आपके सारे विंडोज़ अपडेट भी क्लीन हो जाएंगे। जैसे ही ये आ जाए सबको क्लिक करके सेलेक्ट कर लें। आपको यहाँ पे टोटल मेमोरी दिखेगा कि कितना क्लीन होना है। तो अभी मैंने ऑलरेडी क्लीन किया हुआ था इसलिए यहाँ पे कम है, बट अगर आप क्लीन करेंगे तो आपको यहाँ GB में बहुत सारे, 2-3 GB, 4 GB, 5 GB तक भी आराम से क्लीन हो जाएंगे। यहाँ से इसको ओके कर लें और डिलीट कर लें, इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये हो गया डिस्क क्लीनअप। इसके अलावा आपको विंडो और आर दबा के अपना रन कमांड खोलना है। रन कमांड के अंदर आप प्रीफेच सेलेक्ट करें, प्रीफेच, इसको परमिशन दे दें और फिर इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल ऑल से सबको सेलेक्ट करके और डिलीट कर लें। जो नहीं डिलीट होंगे कुछ फाइल्स जो करंटली यूज़ में हैं उनको स्किप कर दें। इसके अलावा फिर से विंडो रन पे जाएं, यहाँ से टेम्प डाल के इसको एंटर करें। इसमें जितने फाइल्स आएंगे इनको भी सारे को सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। यहाँ पे भी आपको एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन मांगेगा, वो दे दें और बाकी जो फाइल्स बचेंगे उनको स्किप कर सकते हैं। वापस से विंडो रन पे जाएं, इसी टेम्प के आगे और पीछे परसेंटेज का साइन लगा दें। उसके बाद जो पेज खुलेगा उस पर भी जाके सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। यहाँ पे भी बाकी जो बचेंगे उनको स्किप कर दें। इसके अलावा जो स्टार्टअप प्रोग्राम्स होते हैं वो भी आपके पीसी को स्लो करते हैं, तो उसको चेक करने के लिए आप यहाँ से शेल --, स्टार्टअप, ये वाला ऑप्शन पे जाके ओपन कर लें। यहाँ पे आपको सारे स्टार्टअप ऐप्स दिख जाएंगे जो भी रहेंगे, तो आप उनको बंद कर सकते हैं ताकि जब लैपटॉप ऑन होता है तो कोई ऐप उसके साथ ओपन ना हो। अगर आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट स्टार्टअप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टार्टअप ऐप पे जाएं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टार्टअप ऐप्स हैं, तो उनको आप ऑफ़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके पीसी को या लैपटॉप को या डेस्कटॉप को स्पीड अप करने में मदद करेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।